गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है, जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान होती रहें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। आज है 26 मई 2023। 26 मई 2023 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर दें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है पापोकेटपेटल क्या है। पापोकेटपेटल ज्वालामुखी फटने से लगी आग, यह ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो यह ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये इटली में है, अफगानिस्तान में है, मैक्सिको में है या फिर जापान में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, मैक्सिको। मैक्सिको में पापोकेटपेटल ज्वालामुखी फटने से आग लग गई है और यह ज्वालामुखी मैक्सिको में है। तो ये बहुत दिनों से ऐसे ही इसमें से आवाज़ें आ रही थी और ये फट गया है। देख लेते हैं अन्य, तो अन्य ज्वालामुखी में अभी हाल ही का है माउंट एटना ज्वालामुखी फिर से विस्फोट इसमें हुआ है। ये कहाँ है, तो ये इटली में है, माउंट एटना ज्वालामुखी। तो देख लेते हैं, ये है माउंट एटना ज्वालामुखी, इसमें भी हाल ही में विस्फोट हुआ था। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण ये ज्वालामुखी हैं, तो माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी ये भी इटली में है और स्ट्रामोली सक्रिय ज्वालामुखी है ये भी इटली में है और विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी ये भी इटली में है। फिर क्या है, डेमबंद शांत ज्वालामुखी ईरान में है, कोह सुल्तान शांत ज्वालामुखी ईरान में है, फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी जापान का है, मोनालोवा प्रसुप्त ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का और किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी तंजानिया, कटमई अलास्का का है और एलबुर्ज जॉर्जिया का, माउंट रेनेरियर संयुक्त राज्य अमेरिका, चिम्बारेजी इक्वाडोर का है, पोप शांत ज्वालामुखी ये है हमार का, माउंट ताल फिलीपींस का, ओल्ड फेथफुल गेशर टैम्बोरा इंडोनेशिया का और कैमरून सक्रिय ज्वालामुखी ये है पश्चिमी अफ्रीका का। कहाँ का, पश्चिमी अफ्रीका का हो जाता है। देख लेते हैं भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य ने HEIS में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्फोसिस एवं नैसकॉम के साथ समझौता किया हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने या फिर उड़ीसा ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्फोसिस एंड नैसकॉम के साथ में समझौता किया हुआ है। देख लेते हैं, उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा चुका है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने टेस्ट स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। कोंध जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की हुई है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है। तो ये विप्रो को, रिलायंस को, टाटा को या फिर HCL को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, टाटा। टाटा को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में भारतीय फर्म में शामिल किया गया है, टाटा कंपनी को, टाटा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है IDBI बैंक बोर्ड ने किसे उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो ये जयंत चौधरी को, डॉक्टर के गोविंद राज को, डॉ आर मुकुंदन को या फिर जय कुमार एस पिल्लई को।
तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, जय कुमार एस पिल्लई को IDBI बैंक बोर्ड ने अपना उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया हुआ है। KV विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। DSCI ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया है। देख लेते हैं IDBI बैंक, तो ये इसका स्थापना 1 जुलाई 1964, 58 साल पहले। संस्थापक भारत सरकार IDBI अधिनियम 1964 के द्वारा। मुख्यालय IDBI टावर WTCS कॉम्प्लेक्स कफ परेड कोलवा मुंबई महाराष्ट्र है। प्रमुख लोग हैं MR कुमार अध्यक्ष, राकेश शर्मा MD एंड CEO हो जाते हैं इसके। अगला प्रश्न है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये चीन बना है, अफ्रीका बना है, कनाडा बना है या फिर आयरलैंड। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, आयरलैंड। आयरलैंड शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है आयरलैंड। कौन है? आयरलैंड बना है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये आयरलैंड बना है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। और यहाँ की मुद्रा है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी। कौन है? माइकल डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, कुरुमुट्टू कन्नड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक लेखक थे, साहित्यकार थे, समाजसेवी और बिजनेसमैन थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, समाजसेवी और बिजनेसमैन कुरुमुट्टू टी कन्नड़ का हाल ही में निधन हुआ है। ये एक समाजसेवी और बिजनेसमैन थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो अगला प्रश्न है, टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जॉर्जिया गैस्पोडिनोवा, ठीक है, जॉर्जिया गैस्पोडिनोव, इन्होंने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता हुआ है। कौन है? तो ये जॉर्जिया गैस्पोडिनोव, इन्होंने एक पदक जीता हुआ है। देख लेते हैं, अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लियोन मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। लंदन में मीरा सियाल को बेफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। मारिया स्टोपानोवा ने लिपजिंग बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैक्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों के स्कूली छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी? तो ये महाराष्ट्र के। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये ईरान ने किया है, इजराइल ने किया है या फिर तुर्की? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, तुर्की के द्वारा अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का सफल परीक्षण किया गया है। तो तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। और तुर्की की मुद्रा क्या है? टर्किश लीरा। क्या है? तुर्की की मुद्रा जो है टर्किश लीरा हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी आई चैट वॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा राज्य पूरी तरह ई गवर्नेंस
इसमें सवाल गलत हो गया है, कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो ई गवर्नेंस कौन घोषित किया गया है? केरल किया गया है, उड़ीसा किया गया है, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो इसमें हमारा केरल सही हो जाएगा। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो ये केरल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोवा और किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर केरल? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है उत्तराखंड। उत्तराखंड इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड और गोवा राज्य के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर परमवीर चक्र? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ये हैं जय हैं लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।